कैथल में आज जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता ने ली। बैठक में विधायक लीला राम, जिला अध्यक्ष अशोक कोचर, एसपी उपासना, डीसी प्रशांत कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में मंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी और 14 में से 10 समस्याओं का मौके पर निपटान किया गया। तो उसके अनुसार ये कि मैं क्या 3 साल के अंदर सब्सिडी बैंक पे आ जाती है, मैं नहीं वो तो कैंडिडेट मिल जाती है। तो मेरे को तो मार्च 2023 को वो चीज़ मिल गई थी। इसमें बैंक को मैंने बोला था कि बैंक ने अपने बात ठीक करी, हमारे पास एक लेटर आता है, वो लेटर आने के बाद हम आपको पैसे दे देंगे। चलो वो बात हमें ट्रेन के द्वारा बताया भी जाता था, उसमें बैंक की कोई गलती है ही नहीं। लेकिन मैंने इसकी कंप्लेंट खाती और ग्रामीण दोस्तों की अम्बाला में भी की, वो बोलते हैं 2024 में कुछ होगा या 25 में होगा, इस बात का कोई पता नहीं है। होगा भी ना होगा इस बात का कोई नहीं। अब आपको सब्सिडी चाहिए? हाँ जी सर। और सब्सिडी के बारे में आप क्या कह रहे हैं? वो लोग कह रहे हैं कि विजिट होगा वो 2024 या 25 में होगा, वो पता नहीं है। मुझे ये बताइए कि इस भाई का कसूर क्या? इनका कोई कसूर नहीं, तो सब्सिडी इनको आप कब तक देंगे? सर ये हमारे हाथ में दिया, किसके हाथ में? केपीआईसी अम्बाला सर इसकी विजिट करवाती है सर। इससे पहले सर एक पहले से अगली मीटिंग में उनको यहाँ बुला दीजिए, ठीक है? जब इसका कोई कसूर नहीं है, आप चिट्ठी लिखिए, मेरा उसमें रेफरेंस दीजिए कि जब इसका कोई कसूर नहीं है तो सब्सिडी क्यों नहीं मिल रही? क्यों ना आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाए और उसको ब्याज समेत इनकी सब्सिडी मिले, वो दे दें तो ठीक है, नहीं तो उनको कह दो यहाँ, ठीक है? आप राजकुमार हाँ बोलिए। हाँ पानी कैसे पहुँचे सर? सर इनकी सर 3 गली है सर, ये अम्बेडकर कॉलोनी में पड़ती है, ये थोड़ी सर ऊंचाई पे है, थोड़ी सर दो सिस्टम बनाने का सर कर रखा है, दो सिस्टम करके सर हो जाएगा, ठीक है? सर ये हो गया, मतलब 20 को देने आए थे, बोल रहे हैं 20 मतलब 20 तो मैं कह रहा हूं, तारीख बताओ। और डेट हो गया सर, मैक्सिमम मंडे है आज। क्या तारीख है सर? आज बताए सोमवार को इनके 3 घंटों में पानी पहुंच जाएगा। जी सर, पानी की दिक्कत आ रही है। एक साल हो गया सर मेरे अंदर इतना कुछ नहीं हो रहा। बताओ सर, इनका सर हमने एस्टिमेट बनाया था जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और सर पेंडिंग 81 का सर एस्टिमेट बनाया था जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल अभी पेंडिंग पड़ी है। ठीक है, जल्दी से जल्दी मुझे अगली दफा प्रोग्रेस बताना। आपका फिर खोल दिया दोबारा बन की पेंशन अब राखी है? ठीक है, चलिए ये बात इनकी भाई की ठीक है कि ग्रीवेंस कमेटी में केस लगने के बाद सजा तो उसको देनी है। चलिए ठीक, बच्चा मिल गया? अच्छा ठीक ठाक है बच्चा, बैठ
बड़े दुख की बात है। तो आपने पहले रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करवाई, अब ये बड़े दुख की तो बात है, लेकिन कोई क्या कर सकता है। उनको क्या कर दो, उनको पढ़ाने लग रही है, पढ़ाने लग रही है। चलिए अब आप हमसे क्या चाहते हैं, तो दुखदायी बात हो गई, राम जी की मर्जी है। कोई बात नहीं, देखो बच्चा तो गया, इसमें सब लोग, हम भी दुख हैं, सब लोग, सब अधिकारी को भी दुख है। तो बताओ क्या बात है। सर मैंने 1993 में प्लाट लिया था कितने बार, मेरे प्लाट में एक साइड की 70 फुट थी और दूसरी साइड की 50 फुट थी, जिसमें मैंने 45 फुट और 55 फुट पे मकान डाल दिया। आधा प्लाट मेरा पीछे पड़ा था पशुओं वास्ते, तो ये ड्रोन से चढ़ गया उसके नाम, तो ये करके हमारा है, उसमें मेरा सामान भी अब पड़ा है। सब डाल दिया, तो कोई भी डाल सकता है। अब कोर्ट में केस है ना, तो कोर्ट का जो फैसला होगा वो वहाँ आपको भी मानना पड़ेगा, उनको भी मानना पड़ेगा। जो मेरा हक मोर की खरीद का है वो मेरा करवाया है। कोर्ट में केस है, अब वो कोर्ट जो फैसला करेगा वो मानना पड़ेगा। हाँ, हम तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। कोर्ट का फैसला हो जाए और वो आपके हक में आ जाए और वो दूसरे वाले लोग ना माने, फिर आप हमारे पास आ जाना, ठीक है। चलिए, नहीं मिली, दो महीने की आई है, तो कितनी रह गई, एक महीने चलो वो तो मिल जाएगी, कोई बात नहीं। तो अब इनका सारा रिकॉग्नाइज हो गया था, क्या पेंशन नहीं मिल रही, क्यों क्यों नहीं मिलती इनकी पेंशन। पेंशन जारी हो गई, पर वो तो कह रहे हैं ना 2 साल से नहीं, बंद रही थी, बंद रही थी, नाम लिया था 2 सालों। मुझे ये बताओ कि पैसे इनके खाते में कौन सी तारीख को जा चुके हैं या चले जाएंगे। 1 अगस्त को चले जाएंगे, चलिए 8 अगस्त तक आपके सारे पैसे आपके खाते में आपके बिना कुछ करे आ जाएंगे, ठीक है। अगस्त अगला महीना, अगले महीने की 8 तारीख तक पैसे आपके खाते में आ जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। हाँ, वो अलग बात हो गई, बताओ वो क्या बात है। देखो कौन देखेगा, BSW भाई। हाँ, कोई बात नहीं, मदद करेंगे, आप यू विल लुक आफ्टर हर, शी विल नॉट कॉन्टैक्ट यू, यू विल कॉन्टैक्ट, ठीक है। हाँ, फोन नंबर वगैरह आप ले लें किसी को, आपकी बच्चियों का स्कूल में एडमिशन भी हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा, और अगले महीने की 8 तारीख तक आपके सारे पैसे आपके खाते में आ गए, ठीक है, और अपने आप आ जाएंगे। मतलब समस्या सॉल्व हुई कि नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं।
अधिकारी मुझे कह रहे हैं कि वही देखते चले जा रहे हैं। कौन सा विभाग? सर डीसी साहब ने इनके रिगार्डिंग हमारी एक ज्वाइंट कमेटी बनाई थी सर, की सर इसमें हमने जैसे इसका निरीक्षण करा था सर, इसमें कुछ विभाग की तरफ से भी सर इसमें सीवर डाले जा रहे थे, कुछ इंडिकल कंपनी का भी है। ये काम आपका नहीं है, ये काम हमारा। कोई बात नहीं, आज होगी सुनवाई, कल ही मीटिंग करेंगे। अगली मीटिंग में मुझे उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट आए, इसको मैं पेंडिंग रखा। इसको पता करवा दे सर। चलो सोल्यूशन में सारी चीजें आ गई, ठीक है। इसमें मंत्री जी पहली बार कितने चंडीगढ़ आ रही थी, बड़ी ट्रेन है, इसका तो पक्का करने का। कोई बात नहीं, बताइए बात। हाँ बहन जी, आपके साथ न्याय होगा, ये तो गारंटी बात है। अब वो उनसे पूछेंगे, पूछने के बाद जो भी फैसला आएगा वो सारा जो न्याय की बात होगी वो करेंगे। आप चिंता नहीं करो, इस कंप्लेंट को पेंडिंग रखो। नहीं, आपके साथ गलत बात नहीं होगी। अभी आपका आपस का कुछ मामला है परिवारों का। सर इनका तकसीम का केस गया में पेंडिंग है, जमीन की तकसीम का मैटर गया में। अब ये जो उन्होंने निर्माण किया है इसको उनके फैसले के आने के बाद गिराने के लिए गिराने के लिए मैं डी साहब के पास गया। ये बोले जी मेरे ऊपर बहुत बड़ा दबाव आ गया सुखराम सिंह, मैं इसको गिरा नहीं सकता, मैं इनकी एफ आई आर रद्द करवाता हूँ। फिर ऐसे ही जी चार करोड़ हो गए जी, डी टी सी साहब जी उनके साथ मिले हुए हैं जी, और सी एल को जी निर्माण करने से पहले लेनी चाहिए थी। ये सी एल भी मेरे वाले सी एल के लिए अप्लाई करने लगे थे, सी एल कैंसिल हुई बड़ी समझी, मैंने जागरण सूत्रों से पता किया जी। उसी जमीन का जी एक इसलिए रास्ता लग रहा जी, सी एल मिल ही नहीं सकती थी। आप हेड ऑफिस में पता करवा लो सर, सी एल कैंसिल हुई पड़ी है। उनका पत्थर का कारोबार है सर बहुत बड़ा जी, वो पीछे नौ बीस रुपये कब्जा करना है, बढ़ाना है। आपको उन अधिकारियों पर विश्वास नहीं है तो एडीसी के जिसमें एक इंक्वायरी हम लगा देते हैं, वो इस सारा मामला देख के अगली दफा ठीक है ठीक है। एक हम जिस तरह हम बैंड के साथ हमारे ऊपर थी एस सी एस टी का थी, अब 300 देकर कम कर दर्ज कराया जाए। हम एस पी मैडम के साथ मिले थे, बैंड के साथ मैसेज नहीं आ रहे थे। एस पी मैडम ने निष्पक्ष जान तो गया थी जम्मू के सारी जगह, सिर्फ हमारा साथ एस पी मैडम ने दिया ईमानदार तरह। हाँ जी बिल्कुल सारी नंबर देखिए। एक तो ये आज मैं ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग लेने पहली बार कपिस्थली हनुमान जी की जन्मस्थली इस पर मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस हनुमान जी की धरती पर मैं आप सब पत्रकार छायाकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यहां मैंने ग्रीवेंस कमेटी में 14 केस डील किए जिसमें से 10 केसेस जो हैं वो उनका निपटारा हो गया, चार को किसी ना किसी कारण से पेंडिंग रख दिया। तो ये कुछ ज़मीनों के केस थे, कोई पानी का केस था, कोई गंदे पानी का केस था, तो इस तरह के अलग अलग प्रकार के केस थे जिनको मैंने अकॉर्डिंगली डील किया। अधिकारी जो नहीं आए और जिन लोगों ने परमिशन भी ऑनरेबल डीसी साहब से नहीं ली
उन पर कार्रवाई और उनकी एक्सप्लेनेशन, उनकी एब्सेंट, उनकी तनख्वाह रोकने का मैंने आदेश इस साहब को दिया है। ये मैं बता दूंगा आपको, बाद में बता देंगे। दो अधिकारी सर, अक्सर देखा जाता है शिकायतकर्ता एक छः छः महीने दो दो साल अपनी शिकायत को लेकर दफ्तरों के चक्कर काटता रहता है, लेकिन जब ग्रीवेंस की मीटिंग आती है तो अधिकारी घर पहुँच कर उनकी समस्या का निदान कर। चलिए, ये तो एक अच्छी बात है कि कम से कम ग्रीवेंस कमेटी हमने इसीलिए तो रखी, वरना ग्रीवेंस कमेटी की जरूरत ही क्या थी। हमारे पास क्या होता है कि ये 14 केस की बात नहीं है। ग्रीवेंस कमेटी का मतलब, हमारे आने का मतलब और ये सब जो जमावड़ा हमने लगाया, इसका मतलब एक संदेश है, अधिकारियों को भी संदेश है, जनता को भी संदेश है। जो काम, सैकड़ों काम तो हो गए होंगे, अब ये तो एक एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका है ना कि साम दाम दंड भेद, हम इस तरह की व्यवस्था बनाएं कि जिसके डर से, जिसके प्यार से लोग अपने आप काम करें। हमें इन 14 केसेस की इतनी परवाह नहीं है, लेकिन इन 14 की जगह सैकड़ों केस अपने आप डील हो गए होंगे और वो यहाँ नहीं आए होंगे, वो हमारी अचीवमेंट। मंत्री जी, सिविल हॉस्पिटल की बात करें, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, 1/3 से भी कम डॉक्टर हैं, डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा कमी है। इसमें कोई शक नहीं, आपकी बात बड़ी जेन्युइन है, डॉक्टर्स भाई कम है। मैं तो खुद डॉक्टर हूँ, MBBS मैंने की, मैंने जनरल सर्जरी में MS की, मैंने सर्विस भी की, मैंने प्रैक्टिस भी की। आफ्टर ऑल डॉक्टर कम थे, तभी तो हमारी सरकार ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का बीड़ा उठाया और आज पूरे हरियाणा में 15 मेडिकल कॉलेज चालू हालत में है। तो इनका जो रिजल्ट है, जैसे आज हमने कहा कि मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, 2 साल में वो बनेगा, उनमें 100 सीटें हैं, 5 साल के बाद वो डॉक्टर बन के निकलेगा। तो अब समय आया है जब डॉक्टर समय अच्छी उपलब्धता में अवेलेबल होंगे और ये शॉर्टली थोड़े समय में ये डॉक्टरों की कमी हम पूरी कर पाएंगे, जिससे सुचारू रूप से लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा। काफी लंबा समय चलेगा, पर तो अब डिलीवरी की अगर बात की जाए, CMO मैडम को खुद खड़े होकर डिलीवरी करना पड़ता है, ऐसे हालात है कि टेंपरेरी व्यवस्था कोई की जा सकती है। आप लगते हैं कि आपको मेरी बात समझ में नहीं आई। डॉक्टर एकदम तो पैदा नहीं किया जा सकता ना। जब हमने ये समस्या 70 साल से देख रहे हैं, हमने इस समस्या को दूर करने का एक उपाय बताया ना, हमने मेडिकल कॉलेज 15 बनाए ना, अब डॉक्टर को आज ही कैसे पैदा कर देंगे हम, बताइए आप मुझे। वो सब कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर होंगे तो आएंगे। 5 साल तक कैसे निकलेंगे? कई बैच जितने निकले हैं वो हम पूरे कर भी रहे हैं, और हमने तो व्यवस्था भी बदली है, हमने पब्लिक सर्विस कमीशन के। हाँ, मेरी बात तो सुनिए, एक भी महिला डॉक्टर नहीं। सुनिए, कोई बात नहीं, दिक्कत दे दो, हम व्यवस्था कर देंगे। हम तो क्या लिखेंगे जी, पत्रकार हैं, पत्रकार तो बहुत कुछ कर सकता है। आप खबर लिखो ना, कौन रोकता है आपको। हाँ, लिखिए। चलो सर, CMO महिला है, आप कह रहे हैं महिला गायनेकोलॉजिस्ट, पर करती है तो काम तो करती है, डॉक्टर तो है ना। चलिए, हिसार के एयरपोर्ट का कई बार उद्घाटन हो गया, लेकिन जहाज नहीं, कई बार उद्घाटन नहीं हुआ, उद्घाटन एक ही दफा होता है, हर चीज का होता है, एक बिल्डिंग बनती है, दूसरी बिल्डिंग बनती है, तीसरी बिल्डिंग बनती है, कई बार उद्घाटन कैसे, पहले छोटा एयरपोर्ट था, उसका उद्घाटन हुआ था। 50 साल से कांग्रेस सरकार ने क्या किया, हमने तो 10 साल में 10,000 पट्टी बना दी, आज हमने उसकी बिल्डिंग का उद्घाटन किया है, आज हमने MOU कर दिया एयर अलायंस से, आज हमने उसके लिए अप्लाई किया है कि हमें लाइसेंस मिले। 19 जून को 15 लाख रुपए जमा कराकर हमने बड़े लाइसेंस को लेने का हमने अप्लाई किया है। अब वो लाइसेंस मिलते ही आज हम इस पोजीशन में आ गए कि आज लाइसेंस मिलेगा। अब आप कहेंगे कि लाइसेंस 10 साल में क्यों अप्लाई करा, अरे सब कुछ बनाकर ही तो करेंगे ना। अब 10,000 फुट की पट्टी एक दिन में तो नहीं बढ़ती है, उसके साथ नाइट लैंडिंग फैसिलिटी, लाइट का भी काम है, अग्निशमन का भी, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। एक बिल्डिंग हमें एक पेट्रोल पंप चलाना होता है तो उसकी 10 NOC लेनी पड़ती है, तो हवाई जहाज की जो NOC है अब वो हम लेंगे, और उम्मीद है 31 जुलाई तक हमें लाइसेंस मिल जाएगा, और अगस्त में आपको अयोध्या की यात्रा एयरपोर्ट से हम करवाएंगे। मंत्री जी, ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर हैं या विधायक, उन्होंने अधिकारियों की शिकायत की है, क्या कुछ निर्णय उत्तर आदेश कर दिए गए? बिल्कुल, अधिकारियों को हमने सख्ती से कहा है कि इनका कोई भी फोन अनअटेंडिंग नहीं आना चाहिए, और इनकी जो भी जेन्युइन समस्याएं हैं उनको दूर करने का काम।